हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आई एम बैक विद अनदर वीडियो एंड आज का जो वीडियो होने वाला है वो मैं करने वाली हूँ मीशो हॉल वीडियो, जिसमें मैंने टॉप्स परचेस किए हैं, एक मैंने ड्रेस भी परचेस की है। तो काफी इंटरेस्टिंग आइटम है, 6 आइटम मैंने परचेस किए हैं। ज्यादा लॉन्ग वीडियो मैं नहीं बनाने वाली हूँ, सो स्टार्ट करते हैं। एंड उससे पहले अगर आपने मुझे अभी तक भी इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जाके कर सकते हो। ये यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया पेज का और लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट करना मत भूलना। और सारे प्रोडक्ट्स का लिंक आपको मिलेगा मेरे इंस्टाग्राम पे या फिर मेरे डेडिकेटेड वीडियोस पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। तो आपको एक बार प्रोफाइल विजिट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो भी आपको दिखेगा आइटम आप उसको परचेज कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में जाके। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ना बहुत अच्छे अच्छे टॉप ढूंढे हैं और आई होप कि ये मतलब जो वीडियो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आपको अच्छा लगे, क्योंकि जो स्टफ है वो सारा बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मतलब तुम इसमें एक भी गलती नहीं निकाल सकते हो कि यार इसमें ये है, बट हाँ थोड़ा रिवीलिंग वाला होने वाला है। तो अगर तुम्हें ऐसे टॉप्स नहीं पसंद, तुम्हें पिक्चर दिख जाएगी, थंबनेल दिख जाएगा, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम इसको स्किप कर दो। नहीं तो अगर तुम इसे पेयर कर सकते हो किसी भी इनर के साथ में या फिर कोई टॉप के साथ में तो इसको देख सकते हो वीडियो को। सो स्टार्ट करते हैं। तो ना मैंने 6 आइटम जैसे मैंने बोला कि मैंने मंगवाए हैं, जिसमें से पहले मैंने रेड के साथ स्टार्ट करती हूँ। तो पहले ये वाला टॉप आपने मेरा एक ना हॉल देखा होगा जिसमें मैंने व्हाइट वाला परचेज किया था, और उस व्हाइट वाले में मैंने ना अगर आपने उसका वीडियो देखा हो डेडिकेटेड तो उसमें मैंने ये कहा था कि इसकी क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई, क्योंकि उसके ना अंदर से जो स्टिचिंग थी वो पूरी दिख रही थी। और वो मेरे पास टॉप रखा है बट वो मेरा अंदर रखा हुआ है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगी वो वाली चीज भी। बट देखो एक बार इसकी स्टिचिंग देख लो आप अंदर से, इसकी स्टिचिंग पूरी अच्छे से इन्होंने ना वो जो कहते हैं ना इंटरलॉक कर देते हैं, पूरा इन्होंने लॉक किया हुआ है ताकि स्टिचिंग थोड़ी सी बाहर नहीं निकले, फैब्रिक के कोई भी थ्रेड बाहर नहीं निकले। तो ये मैंने रेड कलर में परचेस किया है और मैं सच बताऊं तो ये बिल्कुल जैसा पिक्चर वाइज दिख रहा था सेम वैसा ही है। और जो मेरे पास आया है ना उसमें वो पूरा फ्लावर सा बना हुआ है, साइड में ये वाला कट भी है, इसमें पूरा यहाँ से एंड कर दिया, इन दोनों साइड से इन्होंने एंड कर दिया और यहाँ पर पूरा ये फ्लावर दिख रहा है। तो ये रेड कलर में है, बहुत सारे कलर ऑप्शंस थे इसमें, बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है। व्हाइट कलर के साथ में मैंने इसको पेयर किया है, जो ट्राउजर आपको दिख रहा है ये मैंने मीशो से परचेस किया है। जो भी आपको ट्रायल में दिखेगा ट्राउजर वो मीशो से है और वो मैंने परचेस किया था SSS से। तो आपको ऑफिशियल वेबसाइट से जाके परचेस करना होगा अगर अवेलेबल हुआ तो। उस टाइम पे काफी ज्यादा डिमांड थी इसकी, जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था तो काफी ज्यादा अच्छे मतलब खासे गए थे व्यूज, तो उस अकॉर्डिंग लोगों ने बहुत ज्यादा परचेस किया था, तो मैं इसलिए बता रही हूँ आपको। तो ये वाला टॉप आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा अच्छा है। और अगर आपको इसको लेयरिंग के लिए यूज करना है तो आप कर सकते हो, अंदर कोई भी इनर भी यूज कर सकते हो। अगर आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो आप इसको शर्ट के साथ में या जैसे भी स्टाइलिंग के कुछ वीडियोस देख के आप स्टाइल कर सकते हो कि आपको कैसे स्टाइल करना है। मैं नॉर्मली आपको पहन के ही दिखाऊंगा क्योंकि इसका जो लुक है वो ऐसे ही आया है, बाद में अगर स्टाइलिंग में कुछ मुझे आगे जाके कुछ आइडियाज लगे कि हाँ मुझे करना चाहिए टॉप्स का तो मैं सारे एक बार में डालूंगी, जरूर आपके साथ शेयर करूंगी। बाकी इस टाइम पे मैं आपको बताऊं तो ये वाला टॉप परफेक्ट है, बहुत ही ज्यादा अच्छा इसका मटेरियल है। बैक से पूरा आपको ना स्मोक पैटर्न मिल जाएगा, ये बिल्कुल भी आपको लूज नहीं आने वाला है कहीं से भी, पूरा ये जो चीज है ना ये पूरी परफेक्टली फिट आने वाली है क्योंकि पूरा स्मोक वाला पैटर्न दिया हुआ है पीछे से, एंड में अच्छा सा इलास्टिक डाला हुआ है एंड स्टार्टिंग में भी, तो ये काफी अच्छा है। और पूरा ना देखो स्ट्रेप भी दिए हुए हैं, काफी अच्छी स्टिचिंग है। 250 के अराउंड समथिंग इसका कुछ कॉस्ट है, तो मैं मेरी तरफ से तो मतलब मैं बोलूंगी हाईली रिकमेंड करूंगी कि आप एक परचेज जरूर करके देखो क्योंकि आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है। तो मेरी तरफ से तो थम्स अप है, आप इसको जरूर ट्राई करना और आपको अच्छा भी लगेगा क्योंकि इसका लुक बहुत ही ज्यादा प्यारा आ रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है, ट्राई जरूर करने। तो देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। तो नेक्स्ट प्रोडक्ट भी मैंने रेड कलर का ही परचेज किया है, ये वाला टॉप ना जैसा दिख रहा है पिक्चर वाइज सेम एग्जैक्टली वैसा ही है, बस बात ये आएगी कि इसको मुझे स्टिच करवाना पड़ेगा क्योंकि इसकी जो फिटिंग है उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है क्योंकि ये मैंने मीडियम में मंगवाया है और आप देख सकते हो मीडियम में कितना ज्यादा ये बड़ा मुझे आ रहा है। और जैसे मैंने आपको पिक्चर वाइज पहन के दिखाया तो मैंने इसको पीछे से या तो कुछ रबर बैंड से या फिर कुछ ऐसा स्टिच साइड से करके पिनअप करके मैंने तब दिखाया होगा मैंने आपको। और ये प्रॉपर ना आपको पैडेड वाला लुक मिलता है, बट इसके जो पैडेड है वो मुझे किसी काम के लगते नहीं है, बट एक चीज ये है कि मीडियम में भी इन्होंने इतने बड़े पैडेड रखे हैं जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। एंड जो इसकी ये वाली जो स्ट्रैप्स हैं ये एडजस्टेबल नहीं है, इलास्टिक है, व्हाइट कलर का इलास्टिक ऐड किया हुआ है। क्यों? क्योंकि पूरा रेड कलर का शेड है, इसमें हार्ट बने हुए हैं व्हाइट कलर के, तो इन्होंने स्ट्रैप जो दी है वो भी व्हाइट कलर की दे दी है। और इसके ग्रिप के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा, बट ये मुझे ऐसा लग रहा बहुत ही ज्यादा बड़ा है, बहुत ज्यादा आपको इसको ना स्टिच करवाना पड़ेगा क्योंकि स्मॉल में जो साइज था वो आउट ऑफ स्टॉक था और वो अवेलेबल नहीं था। तो मैंने जैसे इसको वेयर किया है वो आप देख लेना कि आप स्टिच करवा के वेयर कर लो, पर इसका लुक बहुत अच्छा आएगा। और इसके अंदर आप ना व्हाइट कलर की इनर भी वेयर कर सकते हो पूरी फुल वाली,
ठीक है, आपको जैसे भी स्टाइल करना है या फिर मैश टॉप के साथ भी कर सकते हो। मैश में व्हाइट कलर का जो अर्बैनिक पे मिल रहा है अभी वो 550 अराउंड मिल रहा है उसका कॉस्ट, और वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, आप उसको इसके साथ भी ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आने वाला है, बहुत सुंदर लगेगा, क्योंकि व्हाइट कलर का इसमें शेड है, काम भी हो रहा है पूरा, और वो अजीब भी नहीं लगेगा। और ऊपर से फिर ये ट्राउज़र भी है, या फिर कुछ और शेड आपको ऐड करना है तो आप वो भी कर सकते हो, या फिर नीचे का जो ट्राउज़र है उसको चेंज कर सकते हो, तो ये चीज़ आप कर सकते हो। इसमें मैंने जो साइज़ लिया वो मीडियम लिया है, क्योंकि स्मॉल अवेलेबल नहीं था। तो जैसे भी मैं स्टाइल करूंगी आप देख लेना, तो आपको अगर अच्छा लग रहा है तो परचेस कर लेना, क्योंकि जब भी ये वीडियो जाएगा तो ये शायद से मीडियम भी नहीं बच पाए उनके पास, तो ट्राई करना। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की। ये वाला टॉप ना बिल्कुल एग्जैक्ट मैं आपको बोल रही हूँ कि ये आया है पूरा जैसा अर्बैनिक पे दिखाया था, और अर्बैनिक पे ये 990 अराउंड समथिंग में कुछ था, और ये यहाँ पर 230 या फिर 300 से अंडर में ही है ये वाला टॉप, बट ये थोड़ा सा रिवीलिंग वाला होने वाला है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और अगर आपको इस तरह के टॉप्स पसंद है तो ये टॉप्स बीचेस के लिए सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये बहुत एक तो कलरफुल है, ठीक है, और इसको मैंने व्हाइट के साथ ही पेयरअप किया क्योंकि व्हाइट भी थोड़ा लाइट कलर है, और ये वाला पूरा जो इसमें शेड्स यूज़ किए हैं वो सारे लाइट है, तो क्या है ना एक अच्छा सा लुक बैठ जाएगा। देन ये ऐसे नहीं पहनना है इसको, ठीक है, आप इसको ऐसे पहनोगे तो भी आ जाएगा, वैसे मैं ऐसे करके दिखा रही हूँ, बट अगर पहनो आप इसको तो आप इसको ना ये वाली चीज़ को ट्विस्ट करके देन उसको पहनना, फिर आगे से थोड़ा सा लुक ऐसे बन पाए जैसे उन्होंने पिक्चर में दे रखा है, या फिर क्या पता नहीं। और क्या करना कि अगर आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है यहाँ से तो ऑब्वियसली होगी वो, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पूरे इसमें ना फैब्रिक टेक पहले ही इसको स्टिक कर लेना, फिर जब इसको पहनो तो उस अकॉर्डिंग अपने एडजस्ट करके इसको लगाना, बिल्कुल भी फैब्रिक इधर से उधर नहीं जाएगा। और अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो दो दो डबल डबल लेयर लगा लेना, जिससे क्या है कि आप बिल्कुल मतलब ऐसा रहो कि यार हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। और इसके अंदर कोई भी इनर वेयर करनी है अगर आप मेरी तरह मेरी बॉडी से रिलेट करते हो तो ट्यूब ब्रा यूज़ कर लेना, नहीं तो अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे ज़रूरत नहीं है तो आप फिर इसके अंदर पैडेड भी यूज़ कर सकते हो, लगा सकते हो, स्टिक कर सकते हो और डबल साइडेड टेप के साथ में। और अगर आप विदाउट उसके जाना चाहते हो पैडेड के और निपल पैचेस के साथ में तो आप वो भी कर सकते हो। तो ये बहुत प्यारा क्यूट सा टॉप है, अगर आपको चाहिए आप कहीं जा रहे हो घूमने, हनीमून पे जा रहे हो तो इस तरह का कुछ आउटफिट ले सकते हो, नीचे आप मैक्रम वाले जो ट्राउजर्स आते हैं वैसे परचेज कर सकते हो, उसके साथ में इसको पेयरअप करोगे तो बहुत अच्छा लुक आ जाएगा। तो मैं इसके लिए आपको रिकमेंड करूँगी कि आप परचेज करना चाहते हो तो कर लेना, अगर आप कंफर्टेबल हो इसको वेयर करने में तो थम्स अप। ऐसा नहीं है कि इनको सिर्फ ऐसे ही वेयर करना है, आप इसके अंदर कुछ भी लेयरिंग के लिए यूज़ कर सकते हो, समर्स में भी यूज़ कर सकते हो, बहुत लाइट टी शर्ट्स आती हैं अर्बैनिक पे वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगी। अगर आपको ऐसा कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे ज़रूर बता देना, मैं ट्राई करूंगी। देन मैंने देखी थी ये वाली ड्रेस, और ये वाली ड्रेस मुझे ना एग्जैक्ट जो दीपिका पादुकोण ने पहनी थी मुझे सेम वही लगी, बट ये वाला थोड़ा सा अलग डिफरेंट मतलब इन्होंने इसको तो बिल्कुल सेम वही है ना, पूरा मटेरियल वाइज मतलब मटेरियल तो अलग ही हो गई, और ये वाला मटेरियल थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा स्ट्रेची हल्का सा स्ट्रेची मटेरियल है, बीच में इसमें ना ये वाला पार्ट दिया हुआ है, ऐड किया हुआ है, यहाँ पर पूरा कटआउट वाला पैटर्न दिया हुआ है, बीच में से थोड़ा सा कटआउट वाला यहाँ से पैटर्न आएगा, और जो इसका नेक है वो भी ज़्यादा डीप नहीं है, फुल स्लीव्स इसमें बताई हुई है पर मुझे लग नहीं रही फुल स्लीव्स आएगी, ये शॉर्ट लेंथ में इतनी इतनी आएगी। तो अगर आपको इस तरह की ड्रेस पसंद है तो आप इसको ना स्टिच भी करवा सकते हो, लाइक इसको ऑल्टर भी करवा सकते हो, और उसके बाद में जो इसका लुक आएगा नेक्स्ट लेवल। और ये जो मैंने मंगवाई है ये मैंने एक्स्ट्रा स्मॉल में मंगवाई है, और एक्स्ट्रा स्मॉल में भी ये इतनी ज़्यादा बड़ी आ गई है, तो आप देख सकते हो कि मीशो का चार्ट तो गड़बड़ सा है, तो ये एक्स्ट्रा स्मॉल में इतनी बड़ी आ रही है तो स्मॉल वाला बंदा इजीली इसको वेयर कर सकता है, तो आप देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपको स्टिच करवाने की ज़रूरत है, ऑल्टर करवाने की ज़रूरत है तो आप इसको करवा लेना, बाकी जो ड्रेस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, मटेरियल क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मैंने जो अभी जो दो प्रोडक्ट और आएंगे वो मैंने एक ही सेलर से लिए हैं, और सच बताऊं तो इसके जो टॉप और इसका जो मैंने एक और पेयर लिया है वो बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट आया, मतलब मेरे को कोई डाउट नहीं हो रहा, बट मुझे ये जो ये हेड ड्रेस इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि यार ये फिटिंग वाइज कैसी आएगी, कैसा लुक आएगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो उसको देखते हैं। बाकी ओवरऑल मेरी तरफ से तो थम्स अप है, आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत अफोर्डेबल था, लाइक 1100 समथिंग मैंने तीनों चीज़ें परचेज कर ली, तो काफ़ी ज़्यादा सही है, ठीक है, 1100 में कुछ भी नहीं आता, लाइक 500 का तो एक टॉप ही पड़ जाता है बहुत, अगर आप अर्बैनिक वगैरह से लेते हो तो, और इसकी क्वालिटी भी काफ़ी सही है वैसे, तो ट्राई कर सकते हो। देन बात करते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट की, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है ये आप बोल सकते हो कि ये मैंने मज़े में मंगवा लिया, और ट्रस्ट मी ये पूरा जो आया है अर्बैनिक का कॉपी आया है पूरा, लाइक बोल सकते हो अर्बैनिक का ड्यूप है, और मुझे एक सेकंड बस हाँ मैं इसकी जिप लगा दूँ, और ये मुझे इतना सही लगा है, मटेरियल क्वालिटी जैसी अर्बैनिक पे आती है सेम वैसी ही है, फिटिंग का थोड़ा सा चक्कर रह सकता है, बाकी जो ये है पूरी
हुडी वाली ये जो श्रग आई है ये बहुत ही ज्यादा अच्छी आई है और ये विंटर के लिए भी काफी अच्छी है और समर्स के लिए भी काफी अच्छी है। आप इसको जिम में भी वेयर कर सकते हो, आप इसको नॉर्मल अगर कोई क्रॉप टॉप आपने वेयर किया है तो उसके ऊपर भी लेयरिंग के लिए यूज कर सकते हो समर्स में, विंटर में करना चाहो तो विंटर में भी कर सकते हो, काफी ज्यादा अच्छा है। इसके ऊपर भी आप अपनी जैकेट वगैरह वेयर कर सकते हो। ये जो आया है ना क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी आई है। इसमें आपको यहाँ पर मिल जाएगी पूरी ये पूरा हुडी वाला चीज़ है ना। इधर स्ट्रैप्स भी जो लगाए हुए हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, ब्राउन शेड में लगाए हुए हैं और पूरा लॉन्ग में है, बिल्कुल भी शॉर्ट में नहीं है। और जो इसमें है पूरा लुक बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं आपको कैसे समझाऊँ ये वाली चीज़, बट इसका जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत अफोर्डेबल रेंज में है। ऐसी श्रग जो अर्बानी पे मिलती है वो 1000 अबव मिलती हैं, क्योंकि मेरे पास है ऑलरेडी 2-3, तो इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला चीज़ अगर आपको अर्बानिक वाला चीज़ चाहिए, आप अगर जिम जा रहे हो और आपको थोड़ा अफोर्डेबल टाइप में चाहिए कुछ, तो इसको ट्राई कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अमेजिंग क्वालिटी है इसकी, बहुत अच्छी क्वालिटी है। मैं हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप एक बार ट्राई करके देखना, अगर आपको पसंद नहीं आए तो वो बात अलग है, बाकी जो है मटेरियल वगैरह सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट है, ट्राई ज़रूर करके देखना। देन बात करते हैं नेक्स्ट फाइनल लास्ट जो आइटम है ये वाला। आप एक पिक्चर देखना, पिक्चर वाइज जैसा है वैसा ही आया है होने को, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ना बहुत ज़्यादा छोट मतलब बड़ा बड़ा सा आएगा, मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि इसकी स्लीव्स देख सकते हो, स्लीव्स काफ़ी ज़्यादा मतलब स्ट्रेट काइंड ऑफ दी हुई है, बिल्कुल भी इसमें कर्व नहीं है, बहुत हल्का सा कर्व दिया हुआ है। और बाकी जो है मेरी बहुत पतली है, लाइक मेरे ना ये शोल्डर्स बहुत कम हैं, और देखते हैं बाकी पहनने के बाद। तो इसका प्रिंट काफ़ी अच्छा है, वाइट कलर का है, ब्लू कलर का इसमें फ्लावर्स वगैरह बनाए हुए हैं, कॉर्सेट वाला लुक किया हुआ है, बस लाइनिंग की हुई है, बाकी तो पूरा नॉर्मल टॉप है और थोड़ा हल्का सा स्ट्रेची है, हल्का सा स्ट्रेची, ज़्यादा नहीं है और ज़्यादा शॉर्ट में भी नहीं आएगा, फ्रंट से कवर कर लेगा। अगर आप हाई वेस्टेड वेयर कर रहे हो जीन्स तो परफेक्टली आ जाएगा, बिल्कुल भी रिवीलिंग नहीं होने वाला है, पूरा फुल स्लीव में टॉप है ये, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपको पहनने के बाद में थोड़ा लूज लगता है तो आप इसको फिटिंग करवा सकते हो, बाकी तो ओवरऑल बहुत सही है। और मुझे इसका प्राइस एक्चुअली याद नहीं है, बाकी आपको पिक्चर्स जो मैं लगाऊंगी उसमें आप देख लेना और ट्राई ऑन्स आप साइड में देखते रहना, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा। मैं आपको बोलूंगी कि ये वाला हॉल सच में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मैं पर्सनली भी मैं चाहूँ ना तो मैं बोलूँगी कि आप सब कुछ रख सकते हो, क्योंकि सब कुछ बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है, कुछ भी ज़्यादा नहीं है। लाइक मुझे ऐसा नहीं लगा कि 500 से अबव कुछ भी आइटम मैंने परचेज किया है इस वाले हॉल में, तो आप एक बार ट्राई ज़रूर करके देखना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट शेयर करके जाना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।